तो मैं आपसे कहूंगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnamgul and I am chairperson and ex-convener of Harris Management SGWU. मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाब दे हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पोलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमाती कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैंने उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा हैं और अगर कोई मसला है तो एस कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे के सरबरा हैं, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं कि बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो थे उनके समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था। और बहुत सारे बच्चे जो थे उनके ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और बी फीमेल अटैचमेंट फील करता है। तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने नहीं को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक्य को जब स्ट्राइक हुई है, वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करें और हमें इन्वेस्टिगेट करके दे। तो मैं अपनी पोजीशन जो है कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को। लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को इस बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बताते हैं सर जी, क्या आप क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज़ जी। जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरे वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुंचे और स्टूडेंट को कंट्रोल करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बगैर समझे बगैर चल रहे थे, कुछ को अंदाजा था, उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली या जो भी है कि हमारे कैंपस पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं था। लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें, बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब।